कांग्रेस और बीजेपी ये ब्राह्मणों के अलग अलग नाम है, ब्राह्मणों की एक ही पॉलिसी है। ईवीएम के साथ हम कब मांग रहे हैं? हम मांग रहे हैं कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव का वादा भारत के संविधान ने किया। इस मापदंड में ईवीएम मशीन नहीं बैठती है, ऐसा तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा। इसलिए इस मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाना होगा। हम लोग, बीजेपी की जो राजनीति आज चल रही है वो देश हित में नहीं है। आप एक राजनीतिक दल भी चलाते हैं, सामाजिक संगठन भी चलाते हैं, एक एक्टिविस्ट के तौर पर भी आपकी पहचान है, सोशल एक्टिविस्ट है, तो आप पांच राज्यों के चुनाव को किस प्रकार से ले रहे हैं? ये पांच राज्यों के चुनाव लोकसभा के चुनाव के पहले हो रहे, इस दृष्टि से इसका महत्व है, क्योंकि अगर इसका रिजल्ट बीजेपी के विरोध में जाता है, जिसकी ज्यादा संभावना है, सारे राज्यों में बीजेपी चुनाव हार जाएगी, इसकी ज्यादा से ज्यादा संभावना है। बीजेपी पांच राज्यों में चुनाव अगर हार जाती है, कांग्रेस हार जाती है, तो समाज को क्या मिलता है? नहीं, हमें इसमें कोई बेनिफिट नहीं। अगर हमें बेनिफिट होता तो फिर हम लोग अलग से चुनाव की लड़ते, फिर कांग्रेस को सपोर्ट घोषित करते। कांग्रेस और बीजेपी ये ब्राह्मणों के अलग अलग नाम है, ब्राह्मणों की एक ही पॉलिसी है। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं सर, आपको लग रहा है कि कितना सवाल पूछिए, कोई बात नहीं। हाँ भाई, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं क्योंकि हमने एक लिमिटेशन रखी है। सवाल यही है सर कि क्या अगर आपको लग रहा है कि वर्तमान समय में जो सपना काशीराम ने देखा था, कहा था कि जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो यहाँ का हुक्मरान बनना, वो सपना बिखर रहा है? ये तो बाबा साहब का काम, बाबा साहब का, काशीराम साहब को, इसी बात को काशीराम साहब ने आगे बढ़ाया। हाँ। प्रैक्टिकल रूप से। हाँ। तो आपको लग रहा है कि वो सपना बिखर रहा है, तो वामन में इसराम साहब क्योंकि बड़ी ताकत है देश के अंदर, बड़ा संगठन आपके पास है, तो आपको पहल करनी चाहिए, उनके विचार को इकट्ठा करना चाहिए, एक आइडियोलॉजी के लोगों को इकट्ठा लाना चाहिए। देखो, अभी हम लोगों ने 31 अक्टूबर को 77 पार्टी के लोगों को, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को इकट्ठा किया, 77, जो 28 सितंबर को मीटिंग हुई थी उसमें 32 पार्टी और 31 अक्टूबर को जो मीटिंग हुई दिल्ली में उसमें 77 पार्टी के लोग थे। अभी हमारी मीटिंग, विधानसभा का चुनाव रिजल्ट आने के 3 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, तो हम लोग 10 तारीख के पहले पहले तीसरी मीटिंग घोषित करेंगे। उसमें हो सकते हैं और भी कुछ दल शामिल हो जाए, और ऐसा तीसरा मोर्चा हम गठित कर रहे हैं। उसके 2 पर्याय विकल्प, एक, हम मिनिमम 200 और मैक्सिमम 400 सीटों पर चुनाव लड़ने लायक हो सकते हैं। हमारे पास कोई गठबंधन का प्रस्ताव आता है तो गठबंधन के दिशा में भी हम लोग काम करेंगे, नहीं तो मिनिमम 200 और मैक्सिमम 400 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो ये मान लिया जाएगा वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में जो है वो एक तीसरा गठबंधन जो है वो बहुजन घोषित हो गया को लेकर के बन रहा है। वो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के नाम पर बाकायदा घोषित हो गया है, उसको बढ़ाने में लगे हुए हैं। उसकी तीसरी मीटिंग जो है 10 दिसंबर के पहले होगी। एक सवाल और लेते हैं, आप हमेशा ईवीएम को लेकर के आक्रमक रहते हैं, आपका गठबंधन चाहे राम से हो, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे आपके और अन्य साथी हो, आपको लगता है कि आप 200 राजनीतिक दलों को, छोटे बड़ों को मिला करके 2024 के चुनाव में जाएं और फिर आप हारने के बाद ये कहने लगे कि ईवीएम ने हमारा साथ नहीं दिया? ईवीएम के साथ हम कब मांग रहे हैं? हम मांग रहे हैं कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव का वादा भारत के संविधान ने किया। इस मापदंड में ईवीएम मशीन नहीं बैठती है, ऐसा तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपने पढ़ा नहीं, हमसे ले लेना। वो कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 8 अक्टूबर 2013 का। इसलिए इस मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाना होगा, तो हमने इसके लिए आंदोलन किया और हमारे आंदोलन की वजह से पेपर ट्रेल लग गया, गिनती नहीं हो रही। तो इसके लिए 1,00,000 लोगों का मोर्चा लेकर जाने का 26 तारीख को हमने ऐलान किया था। अभी वो तारीख हमने 31 जनवरी को किया है कि चुनाव के पहले पहले इसको ज्यादा हाईलाइट किया जाए। आप सुप्रीम कोर्ट का जिक्र कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का 1913 का
सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन राजनीतिक दबावों में बदलते रहे, चाहे वो ललित सिंह यादव वर्सेस क्या राम मंदिर का क्या नाम है उसका सच्ची रामायण का मामला हो, उस समय सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन है कि 1971 में कि रामलला जो है वो एक नॉट लीगल पर्सन और कभी पैदा नहीं और रामायण कोई ग्रंथ नहीं है, और अभी वर्तमान में जो डिसीजन आया उसमें कहा कि रामलला जी लीगल पर्सन, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तो ये भी सुप्रीम कोर्ट, ये बात सही है, मगर जब तक जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के रेफरेंस में मैं आपको कह रहा हूँ वो जजमेंट तो अभी बरकरार है ना, अभी तो चेंज नहीं हुआ। जो जजमेंट का आप रेफरेंस दे रहे हैं वो जजमेंट चेंज हुआ है जनता का जो दबाव पैदा हुआ, आंदोलन पैदा हुआ उसके आधार पर, तो हम तो वही जनता का आंदोलन खड़ा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि अगर जनता के आंदोलन के दबाव में ही सुप्रीम कोर्ट सही फैसले लेती है तो फिर सही फैसले लेने के लिए हम जनता का आंदोलन खड़ा करते, यही तो आपके सामने घोषित किया। हम लोग बीजेपी की जो राजनीति आज चल रही है वो देश हित में नहीं है, वो हम लोगों के भी हित में नहीं है, देश के भी हित में नहीं है, इसके विरोध में हमारा स्टैंड है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।